सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी अपनी प्रमुख मांग वेतन निर्धारण एवं कैडर में भर्ती को लेकर पिछले काफी लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री एवं खाद्य मंत्री, मध्य प्रदेश शासन से मांग करते नजर आ रहे हैं। मगर सरकार अन्य विभागों को रेवड़ियां बांट रही है, किंतु सरकारी समिति की कर्मचारियों की मांगों को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रही। सरकार के इस रवैये से आक्रोशित सैकड़ों कर्मचारी संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष कमल सिंह राजावत के नेतृत्व में लामबद्ध होकर उपायुक्त को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष राजावत ने कहा कि यदि मांगों का निदान नहीं हुआ तो 16 अगस्त से 21 अगस्त तक सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और 22 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। इधर कर्मचारियों की मांगों को लेकर उपायुक्त का कहना है कि यह सारी समस्या पैसे से जुड़ी हुई है। सहकारिता विभाग के पास क्या क्षमता है और वह कैसे दे सकती है, सहकारी समिति और अधिकारियों पर निर्भर करता है। हमारी सहकारी संस्थाएं जो है उनके जो समस्त कर्मचारी है उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं करा, जिसमें मुख्य मांग है हमारी वेतनमान निर्धारित किया जाए और केडर में भर्ती की जाए। उसके बाद में हमने कई विगत वर्षों से ज्ञापन दिया, हमने हड़ताल करी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ने अन्य विभाग को रेवड़ी टाइप बांट दिया, हमको कुछ भी नहीं दिया अभी तक। इसलिए हमने आज उपायुक्त महोदय को यहाँ पे ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी मांगे ये है कि अगर हमारी मांगे पूरी करते हैं 15 तारीख तक तो ठीक है, नहीं तो हम 21 से हड़ताल पे चले जाएंगे। तो सॉरी, मतलब 16 से हम हड़ताल पे चले जाएंगे तो 21 तक हड़ताल रहेगी। कितने कर्मचारी हैं आपके साथ में जो इन लोगों से जुड़े हैं और अभी तक? हमारे पूरे प्रदेश में 55,000 के लगभग कर्मचारी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस बीच में अगर निराकरण हो जाता तो ठीक है, तो 22 तारीख को हम भोपाल में जंगी प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा कमल सिंह राजाद हूँ। मैं कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। सर, ये बताएं कि ये जो कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं और इतने कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं 16 तारीख से, तो ऐसी क्या भूमिका है लोगों की जो उनको अचानक से जाना पड़ रहा है, और इसके जाने के बाद में जो व्यवस्थाएं हड़ताल पर जाने के बाद में 7-8 दिन की हड़ताल पर जाएंगे तो ये जो अव्यवस्था होगी उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये पैक्स के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने आज ज्ञापन दिया है, इनकी सेवा शर्तों के संबंध में राज्य शासन के स्तर पर लंबे समय से विचार हो रहा है। समय समय पर इनको काफ़ी राहत दी भी गई है। अब चूँकि इसके संबंध में कोई भी अधिकारता इस स्तर पर नहीं है, ये अधिकारता भोपाल के स्तर पर ही है और इनका जो ज्ञापन प्राप्त हुआ उसको हम आज ही शासन को भेज रहे हैं, जिससे वो उस पर जो भी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति है अन्य कारकों को देखते हुए निर्णय लेंगे। आपने कितना महसूस किया कि जायज मांगे हैं या क्या? आपको क्या लगता है इस संबंध में? कोई भी टिप्पणी करना मेरे स्तर से उचित नहीं सर। आप रख तो आप ही करते ना सर, यहाँ से आपके क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है पैसे से जुड़ी हुई स्थितियाँ हैं और संस्थाओं के पास उनकी अपनी कितनी आर्थिक क्षमता है देने की नहीं है और कैसे इसको दिया जा सकता है।